दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड, बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है तो गवर्नमेंट का जो स्कीम का पैसा आता है तो वो नहीं आएगा, पूरी तरीके से वो बंद हो जाएगा। बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। गवर्नमेंट का जो पैसा है, स्कीम का पैसा है, वो लेने के लिए आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी है। तो आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिंक करने से पहले ये जान लो ये किस लिए अपना भी पैसा आपको देगा, वो आधार थ्रू, आधार लिंक थ्रू जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका आएगा। कुछ लोग बोलेगा हम लोग तो अकाउंट ओपनिंग किया आधार कार्ड से ओपनिंग किया तो क्या मेरा अकाउंट लिंक रहेगा? नहीं, आपका आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक नहीं भी हो सकते, क्योंकि आपका सिर्फ जो अकाउंट ओपनिंग हुआ है सिर्फ आधार कार्ड थ्रू हुआ है, तो लिंक वो अलग से करना होता है, लिंक अलग से आपका नहीं है। तो आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या नहीं, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा प्रोसेस फॉलो करके भी चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको ऑनलाइन साइबर कैफ में जाना है, उसमें बैलेंस चेक करना है आधार नंबर देके, आधार नंबर डाल के आपका बैलेंस चेक हो रहा है तो आप समझ जाना आपका आधार के साथ बैंक ऐसा लोग है उसका आधार के साथ बैंक अकाउंट तो लिंक है, तो वो जो अकाउंट लिंक है ऑलरेडी वो यूज नहीं करता है, वो कहीं पे गवर्नमेंट स्कीम के लिए वो अकाउंट जेरोक्स करके नहीं देता है, कभी कभी वो इनएक्टिव भी रहता है अकाउंट, तो उसमें गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा नहीं आता है। तो आप पार्टिकुलर कोई भी बैंक अकाउंट या लिंक करा सकते हैं आधार के साथ, पार्टिकुलर कोई भी पहले से ऑलरेडी आपका लिंक है, कोई भी अकाउंट लिंक है आप चेंज भी करा सकते हैं, कोई भी एक आपको बैंक अकाउंट लिंक करना होगा आधार के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही होता है लिंक आधार के साथ, आधार के साथ आपका बैंक अकाउंट एक ही अकाउंट होता है, तो आपको कोई भी एक को लेना है। तो जो आप जिस बैंक में आप अच्छे से काम करते हैं, ट्रांजेक्शन अच्छी करते हैं, तो वही लिंक करें तो आपका जो गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्ट उस बैंक में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपका पहले से कोई भी बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, उसके बाद बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक कैसे किया जाता है, चलिए वो भी देख लेता हूँ। दोस्तों मेरा इस चैनल में आप पहली बार है तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा चैनल में विजिट करो, बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जो सी एस पी रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं। तो सबसे पहले UTI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आना है और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक योर बैंकिंग बैंक लिंक स्टेटस, तो इसमें आपको आना है, ठीक है। इसी पेज का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देगा, डायरेक्ट इसी पेज में आप आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है तो वो नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे शो कर रहे वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। देखो जो कैप्चा यहाँ पे है सेम एग्जैक्ट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सेंड OTP में आपको क्लिक करना है। सेंड OTP में क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल में एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हो यहाँ पे मेरा जो कैप्चा है वो इनवैलिड हुआ है, तो फिर से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर से सेंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे OTP सक्सेसफुल हुआ है तो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। तो देख लेता हूँ मेरा मोबाइल में OTP आया है नहीं, तो ये आ गया है। आने के बाद आपको ये डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट में क्लिक कर दिया। देखो काटने के बाद देखो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन योर बैंक मैपिंग टू हैज़ बिन डन, तो देखो कौन सा बैंक के साथ लिंक है, ये नंबर भी दिखा दे, बैंक का नेम भी यहाँ पे दिखा दे रहे और यहाँ पे डेट भी, किस डेट से ये लिंक है तो किस डेट में ये लिंक हुआ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बैंक का नेम भी यहाँ पे आ जाएगा। आपका आधार के साथ कोई भी बैंक यहाँ पे लिंक है तो वो लिंक वाला दिखाई देगा। मान लो आपका दूसरा कोई भी बैंक ऐसा है लिंक है तो वो बंद है, वो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हटाना है, उसको लिंक हटा के आप जो बैंक यूज़ कर रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं, ताकि आपका गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है आपको मिल जाए, ठीक है। जैसा कि स्कॉलरशिप हो गया है, गैस बुकिंग हो गया है, और भी बहुत सारा जॉब कार्ड हो गया, और भी बहुत सारा जो भी स्कीम है गवर्नमेंट का जो आधार का थ्रू पैसा आपका खाते में आता है तो वो आपको लिंक करना है, जो आप परमानेंटली यूज़ कर रहे वो लिंक कराना है। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे और एक बात बताता हूँ, जिसका बैंक अकाउंट CSP में है, ठीक है, CSP में है, उसका बैंक अकाउंट वो CSP वाला लिंक नहीं करा के देगा, वो डायरेक्टली मेन ब्रांच से वो करा के देगा, ये CSP का हाथ में नहीं रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको लिंक करने के लिए यहाँ पे आधार NCPI लिंक ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे कस्टमर NCPI, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी पेज में आप आ जाएगा, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, ठीक है। तो इसका सबसे नीचे आना है आपको, एक लास्ट में आ जाना है, देखो यहाँ पे आधार सेटिंग प्रोसेस, इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक हियर टू व्यू, इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, इस फॉर्म देख सकते हैं, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना है, देखो जो यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे सबको आपको फिल करना है। ये जो 3 नंबर वाला पेज है इसको आपको फिल करना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको इसको बैंक मैनेजर के पास लेके जाना है, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और ये जो फॉर्म है ये लेके जाना है, और उसको बताना है मेरे को NCPI में लिंक करना है। तो आपका जो करंट बैंक अकाउंट है वो लिंक करा के देगा, और पुराना वाला जो बैंक अकाउंट लिंक था वो हट जाएगा। आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट पहले से लिंक नहीं था तो भी ये नया जो लिंक करेगा वो भी हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस फॉलो करके आप लिंक करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है ये फॉर्म हम लोग नहीं लेके जाऊंगा ब्रांच में, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है बैंक के ऑलरेडी पड़ा रहता है, बैंक में ऑलरेडी ये फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल करके भी आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ देर वेट करना है, वेट करने के बाद वो आधा घंटा के अंदर ही आपका जो आधार लिंक है वो करा के देगा, ठीक है। ज़्यादातर बैंक का ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है, यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है। कुछ ऐसा बैंक है उसमें ऑनलाइन प्रोसेस है ही, आप ऑनलाइन थ्रू खुद का मोबाइल से भी कर सकते हैं, ये कुछ बैंक का है, तो सभी बैंक का नहीं है। तो आप दोनों प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, आप ऑनलाइन में नहीं हो रहे तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए हम लोग, ये तो ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन के लिए और एक वीडियो बता देगा, कौन सा बैंक जो है ऑनलाइन से आधार लिंक होता है वो दिखा देगा। बस वीडियो इतने हैं, इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।